देश की राजनीति में सबसे बड़े मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ और सूफी खानकाओं के जानशीनों पर दिए गए बयान को लेकर अजमेर दरगाह दीवान की तरफ से ऑल इंडिया सूफी सजादानशील काउंसिल ने करारा जवाब दिया है। काउंसिल के नेशनल सेक्रेटरी गुलाम नजमी फारूकी ने एक बयान जारी कर ओवैसी को अपने विवादित बयान पर माफी मांगने की चेतावनी दी है। हाल ही जेपीसी की मीटिंग में काउंसिल की तरफ से अजमेर दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसरुद्दीन अली चिश्ती ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को समर्थन दिया था, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई और काउंसिल में सूफिया कलर के कपड़े पहनने वाले लोगों को रंग बिरंगा जोकर कह दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओवैसी ने चिश्तिया घराने का मजाक उड़ाया है, इसलिए देश भर की सूफी खानकाओं में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में ओवैसी को माफी मांगनी चाहिए और अजमेर दरगाह की सही और दुरुस्त जानकारी के बाद ही बयान देना चाहिए। खामोश अदब भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हम सभी को अदब और तहजीब सबसे पहले हमारे घर से सिखाई जाती है और उसमें सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से या अपने शहर वालों से किस तरह बात की जाती है, उनके लिए क्या अदब और अल्काब लिया जाता है। ओवैसी साहब ने ये किस अंदाज में कहा है, किस लिए कहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं उनको कोई बुरा कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो रंग बिरंगे जोकरे जो बोला है, मैं उससे मुझे जो है उस पर मुझे बोलना है। ये जो रंग हम भगवा सूफी कलर पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये कलर 800 वर्ष पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो उन्होंने इस कलर को अपनाया, इस कलर को यूज़ किया और उसके बाद से ये कलर उनके ख़ानदान वाले, उनके सिलसिले वाले, चिश्ती सिलसिले वाले और दूसरे सिलसिले वाले सभी इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने इस कलर के बारे में बोला है उससे हमारी तोहिन नहीं की है, पूरे चिश्तिया सिलसिले के सेट की तोहिन की है, क्योंकि हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें इस और दरगाह पे जो सज्जादा नशीन जानशीन रहते हैं वो सब इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सभी तमाम हिंदुस्तान की दरगाह वालों से अपील करता हूँ कि ओवैसी साहब के इस बयान को कंडेम करें और उनका बायकॉट करें कि उन्होंने ख्वाजा साहब के दिए हुए इस कलर का मजाक उड़ाया। हमारा मजाक नहीं उड़ाया, आप हमारा मजाक उड़ा रहे उड़ाए, हम अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आपने इस कलर के ऊपर जो टिप्पणी की और जोकर से मुखातिब किया है ओवैसी साहब, हमें कोई मदारी का खेल करना नहीं आता है, हमें तमाशा करना नहीं आता है, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनके सिलसिले से हैं, और आपने उनके औलाद के बारे में जो कहा है कि जानशीन नहीं है, तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह के वैसे तो बहुत खलीफा हुए, लेकिन दो मशहूर और मारूफ खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा थे और दूसरे खलीफा जो मेरे खुद के दादा हुए हज़रत ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, जिनको ख्वाजा साहब ने सुल्तानुल तारकीन का लकब अता किया था, वो भी खलीफा थे। अब रहा सवाल जानशीन का, आपने कहा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जानशीन हैं, बेशक होंगे जानशीन, है जानशीन, लेकिन हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले जानशीन थे, आप भी खलीफा थे। खलीफा अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे तो उसके अलावा और दो मशहूर और मारूफ खलीफा और भी थे, उसके अलावा भी खलीफा थे। जानशीन वो होता है जो अपने वालिद ग्रामी या अपने वालिद बुजुर्ग की जगह पर बैठ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वालिद का जानशीन हूँ, और अगर वो ये भी कहते हैं कि मैं गरीब नवाज का जानशीन हूँ तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं, आपने गरीब नवाज की औलाद का मजाक उड़ाया, उनके लिबास का मजाक उड़ाया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम दरगाह वाले इस बात को सुने कि सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ये कलर के ऊपर मजाक उड़ाया है, इस कलर की वजह से पूरे हिंदुस्तान को दुख हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान की दरगाह वाले बहुत परेशान है कि ओवैसी साहब को अपनी नेतागिरी में गरीब नवाज के दिए हुए इस कलर का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। दरगाह बोर्ड बनाने की बात पर भी ओवैसी साहब ने आपका मजाक बनाया। देखिए, दरगाह बोर्ड का मसला ऐसा है कि जब से हमने ये काउंसिल बनाई है, रजिस्टर्ड कराई है, जब से हम दरगाह वालों से मुलाकात कर रहे हैं और हर दरगाह वाले की कोई ना कोई परेशानी है जो वक्फ बोर्ड से पीड़ित है, इसलिए हमने ये सरकार के सामने ये प्रपोजल दिया है कि इसको आप अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसमें दरगाह बोर्ड को सेपरेट कर दें, या फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के अंदर दरगाहों का इस कदर रोल रखें कि दरगाह वालों की सुनी जाए, मेम्बरों में से कुछ दरगाह वालों को भी मेम्बर रखें, और नहीं तो फिर आप दरगाह बोर्ड बनाएं। हमने जो प्रपोजल दिया है
अमेंडमेंट के लिए जो हमने हमारा ड्राफ्ट दिया है, हमने उनमें दरगाहों की सेफ्टी चाहिए और हमने मुसलमानों के हक की बात की है। हमें ढोल बजाकर जगाने की जरूरत नहीं है कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमने मुसलमानों का बखूबी पक्ष रखा है और बहुत मजबूती से पक्ष रखा। हमने बिल आएगा तो हम बताएंगे, हमारे मिनट्स बाहर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमने मुसलमानों के लिए क्या आवाज़ उठाई है। हमें ढोल नकारा बजाकर अपनी तारीफ कराने की आदत नहीं है। हम दरगाहों के गुलाम हैं, हम दरगाहों से वाबस्ता हैं, हम आम मुसलमान की परेशानी जानते हैं और मुसलमान वही जो वफ से पीड़ित है, हम खुद समझते हैं, हम खुद पीड़ित हैं। इसलिए अवैसी साहब, आप अपनी जबान को, अलकाब अदब को अपने हद तक रखें। इस तरह के पुराने लिबास, ये रंग बिरंगे लिबास नहीं है, ये शान है चिश्तियों की। और मैं कहता हूँ सारे चिश्तियों से, इसका बायकॉट करें आप।